रणधीर कपूर और ऋषि कपूर यूं तो अपने गर्म मिजाज के लिए बॉलीवुड में मशहूर हैं, मगर गणपति विसर्जन जैसे धार्मिक मौके पर कपूर भाई अपना आपा इस कदर खो देंगे कि धक्का मुक्की करने लगे, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं होगी। कपूर परिवार हर साल चेंबूर स्थित आरके स्टूडियो में गणपति की स्थापना करता है और 10 दिन तक गणपति बप्पा की सेवा सत्कार करने के बाद उनका धूमधाम के साथ विसर्जन करता है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर गणपति प्रतिमा के विसर्जन के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर सड़क पर पैदल चले। विटनेसेस के मुताबिक स्टार्स को इस तरह सरेराह चलते देख लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो गए, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कपूर फैमिली के साथ और भी कई गणपति मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से रास्ते पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान रणबीर कपूर ने मंजीरे बजाना शुरू कर दिया। इस दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए मीडिया कर्मियों में होड़ मच गई और यही वो लम्हा था जिसने ऋषि कपूर को बेहद नाराज कर दिया। आरोप है कि ऋषि ने आओ देखा ना ताओ और मुड़कर कैमरामैन को थप्पड़ रसीद कर दिया। ऋषि ने एक रिपोर्टर को जोर से धक्का भी मारा। इस घटना की वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें रणधीर कपूर भी एक मीडिया कर्मी पर भड़कते नजर आ रहे हैं। रणधीर ने जिस अंदाज में मीडिया कर्मी को दुत्कारा, उसे देखकर लगता है जैसे वो उसको थप्पड़ मार रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से गणपति विसर्जन की तस्वीर शेयर करते हुए उस भीड़ का जिक्र तो किया ही जो उनका गणपति विसर्जन देखने आती है, लेकिन घटना का जिक्र तक नहीं किया। वैसे चिड़चिड़े स्वभाव के लिए मशहूर ऋषि कपूर का ये पहला मौका नहीं है जब वो मीडिया वालों और फैंस पर भड़के हों। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह का कारनामा दिखा चुके हैं।